डेफिसिट बन गया। क्लियर? तो इससे प्रूव क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स कंजम्पशंस। ठीक है, कि गवर्नमेंट अपनी कंजम्पशंस को पूरा नहीं कर पा रही है, इसी कारण से तो ये डेफिसिट रह रहा है। ये रेवेन्यू डेफिसिट जीरो के बराबर आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है? पर्सनल खर्चे कम करने हैं। पर्सनल खर्च, पर्सनल खर्च मेरा या आपका पर्सनल खर्च नहीं है। सपोज मैं बात करता हूं आपके गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब की जो मीटिंग्स होती हैं, फाइव स्टार होटल्स में होती हैं, उसका खर्चा कहां से जा रहा है? रेवेन्यू से जा रहा है। ठीक है, तो उस एक्सपेंडिचर को कम करो। आप गाड़ी में जाओ ना कि हवाई जहाज लेके जाओ। ठीक है, आप जगह जगह घूमो। ओके, तो उन सारी चीजों के लिए जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू से आ रहा है, जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जब उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है, उसका खर्च बढ़ जा रहा है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे मिनिस्ट्रीज में लोग हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, अगर वो लोग कम पैसा खर्च करेंगे पर्सनल चीजों पे, तो इस डेफिसिट को कम किया जा सकता है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि जो भी मीटिंग होगी वो उनके पीएम ऑफिस में होगी इंस्टेड ऑफ दी फाइव स्टार होटल्स। तो इस तरह की चीजों से क्या फर्क पड़ता है कि ये डेफिसिट कम होने की संभावना है। अब दूसरी चीज, ये रेवेन्यू डेफिसिट क्यों आ रहा है? क्योंकि जो टैक्स लोग भरते हैं, मैं पहला पॉइंट सॉरी लिखना भूल गया, तो फर्स्ट परसेंट क्या था कि ये आया क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स कंजम्पशंस, यानी कि पर्सनल खर्च। दूसरी चीज, टैक्स रिलायबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम लोग टैक्स भरते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि टैक्स भरो, क्योंकि टैक्स भरोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट रिड्यूस करेगा और इससे देश का ही भला होगा। और जो गवर्नमेंट बार बार क्या करती है, कभी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कभी कहीं से लोन लिया, तो ये जो बोरो कर रही हैं, ठीक है, तो ये जो बोरो कर रही हैं पैसा, ये पैसा किसी फालतू चीज के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए ना बोरो किया जाए जिससे कि कोई आगे सोर्स हम प्रोड्यूस ना कर सके। बोरो करो लेकिन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मैंने कल आपको समझाया था। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना कोई असेट तैयार करती है, बोरो करो, रोड बनाने के लिए बोरो करो, बिल्डिंग बनाने के लिए बोरो करो, बाद में रोड से टोल टैक्स आएगा उससे वापस करो। ठीक है, बिल्डिंग रेंट पे जाएगी उससे वापस करो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरो करो, अदरवाइज और किसी चीज के लिए मत बोरो करो। तो दिस इज सेकंड रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। क्लियर? और इसको गवर्नमेंट कैसे ये कर सकती है? इज नॉट एबल टू मीट इट्स कंजम्पशन, तो भैया कंजम्पशन को पूरा करो, पर्सनल खर्च कम करो, टैक्स रिलायबिलिटी को बढ़ाओ, यानी कि मैक्सिमम लोग टैक्स भरें, बोरो फ्रॉम दी कैपिटल, बोरो फ्रॉम दी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बाहर से पैसा उठाओ, ना कि किसी और चीज के लिए। इससे हम इसको कम कर सकते हैं। अब तीसरी तरह के डेफिसिट पे आते हैं, थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट, थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस
इंटरेस्ट पेमेंट। अभी आगे आपको समझ आएगा कि इंटरेस्ट पेमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारा देश सबसे ज्यादा यहीं पर मार खा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। लेकिन चलो अभी प्राइमरी डेफिसिट को समझना है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो कितना था, 3.3%। ओके, और जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट प्रेजेंटली है दैट इज 0.7% माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अब देखो इंटरेस्ट पेमेंट किसके बराबर है, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू हाउ मच, 2.6%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.6%। यानी कि आपने जो 3.3% की उधारी की है उस उधारी में 2.6% तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट ही है। क्लियर? तो आप खुद समझ सकते हैं। क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डेफिसिट इज बहुत इंपॉर्टेंट, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट? मोनेटाइज्ड डेफिसिट। मोनेटाइज्ड जो वर्ड है ये कहां से आया है? मॉनेटरी पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी से। अब मैं आपसे पहले की बात करता हूं, पहले गवर्नमेंट क्या करती थी? पहले गवर्नमेंट बोरो नहीं करती थी पैसा, किसी से पैसा उधार नहीं लेती थी, किसी से पैसा मांगती नहीं थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले देखती थी कि अच्छा इतना हमारा डेफिसिट है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, सीधे किसके पास चले जाती थी, आरबीआई के पास, और आरबीआई को आदेश देती थी। क्या देती थी? आदेश। और आरबीआई को आदेश देती थी कि वो क्या करे कि जितनी हमारा डेफिसिट है ठीक है उतनी करेंसी करेंसी क्या कर दे, प्रिंट कर दे, छाप दे। ओके, तो ये होता था पहले, यानी कि किसी से उधार नहीं लेना, किसी से बोरो नहीं करना, हां पूरी तरह नहीं, कुछ हद तक, और बाद में आरबीआई को आदेश दे दिए जाते थे कि भैया हमारे पास इतना डेफिसिट है, इतनी कमी है, तो आप क्या करो इतने की हमारी करेंसी क्या कर दो, प्रिंट कर दो। लेकिन इससे होगा क्या, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम करेंसी प्रिंट करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ रूपी है वो क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। तो वैल्यू ऑफ रूपीज क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट, वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिड्यूस। ठीक है, तो ये भी कोई एक अच्छी पॉलिसी नहीं थी काम करने के लिए। ठीक है, तो बाद में 1997 गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया था, इट वॉज डिसकॉन्टिन्यूड इन द ईयर 1997। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, जैसे मैंने बोला कि हमारा डेफिसिट था, फाइनेंशियल डेफिसिट था 3.3% का, इसमें क्या हुआ कि मैंने थोड़ा पैसा पब्लिक से उठा लिया, गवर्नमेंट ने थोड़ा पैसा बैंक से उठा लिया, ठीक है, थोड़ा पैसा कहीं और से उठा लिया, तो इस तरह से क्या हुआ, 2.3% आपने डेफिसिट तो आपको मार्केट से मिल गया, पैसा मिल गया, तो बचा कितना, 1%। तो ये 1% आपने आरबीआई को बोला कि भैया इतना नोट आप प्रिंट कर दो। तो इस तरह से मोनेटाइज्ड डेफिसिट किया जाता था, इसे बोला जाता था मोनेटाइज्ड डेफिसिट, जो प्रिंटिंग होती थी। ओके, लेकिन अब ये बंद है। क्लियर? तो ये कुछ टर्म्स थी डेफिसिट को लेकर।
आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिसको बोलते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है क्या है? तो देखो, डेफिसिट आपको पता लग गया कि जो भैया हमारी आमदनी में हमने ज्यादा खर्च कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या चीज होगी? डेफिसिट होगी। अब वो जो ज्यादा डेफिसिट है वो आया कहां से, उसकी फाइनेंसिंग हुई कहां से, तो ये चीज होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि वो प्रक्रिया जो गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए अपनाती है, यानी कि वो मेजर्स जो गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए अपनाती है, वो पॉलिसीज, उसको बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि मैकेनिज्म थ्रू विच गवर्नमेंट manages its total deficit, यानी कि वो प्रक्रिया जिसके थ्रू अपने पूरे डेफिसिट को गवर्नमेंट मैनेज करती है, उसे बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, या प्रैक्टिसेस थ्रू विच डेफिसिट इज फुलफिल्ड, प्रैक्टिसेस थ्रू विच डेफिसिट इज फुलफिल्ड, जिससे डेफिसिट को पूरा किया जाता है। तो जो डेफिसिट है, अब सपोज मैं बात कर रहा था आपके पास 3.3% की, कि यार जब मैं एक साधारण एग्जाम्पल दे रहा था, तो मेरा पास था 200, खर्चा था 230, तो 30 का क्या था, 30 का क्या था मेरे पास, डेफिसिट था। 30 का क्या था, डेफिसिट था। अब ये 30 का डेफिसिट मैंने कैसे पूरा करना है, या मैं मान लेता हूं 3.3% ऑफ जीडीपी का डेफिसिट मैंने कैसा पूरा करना है, तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि मैं क्या करूंगा, पैसा उठाऊंगा। पैसा उठाऊंगा कहां से, पैसा उठाऊंगा बोरो फ्रॉम दी पब्लिक, बोरो फ्रॉम दी पब्लिक, बोरो फ्रॉम दी पब्लिक, यानी कि बोलने का मतलब है मैं किसी इंडिविजुअल से ले सकता हूं, मैं मार्केट से ले सकता हूं, कहीं से भी, इंडिविजुअल मार्केट, कैपिटल मार्केट, है ना। कहीं से दूसरा था बोरो फ्रॉम बैंक्स, मैंने कहां से ले लिया, बैंक से ले लिया। तीसरा था बोरो फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, मैंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से ले लिया। तो इस तरह से, और कहां से ले लिया मैंने, मैंने स्टॉक मार्केट से उठा लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने हर जगह से पैसा बोरो कर लिया, तो ये 30 रुपए की उधारी के लिए मैंने इन सारी जगहों से पैसा उठा लिया, तो ये मेरी बन गई डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। यानी कि अपने डेफिसिट को मैनेज मैंने कहां से किया, पब्लिक से किया, बैंक से किया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से किया, स्टॉक मार्केट से किया। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, यदि पूरा हो गया तो ठीक है, और यदि पूरा नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होता था, जैसे 30 रुपए था तो मेरे 25 रुपए मेरे यहां से पूरे हो गए, 25 रुपए मेरे पास पूरे हो गए, या सपोज मैं बोलता हूं 3.3% था तो मेरा यहां से कितना पूरा हो गया, 3% मेरा यहां से पूरा हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, अगर मैं इस टर्म में बोलूं तो 5 रुपए बचे, और इस टर्म में बोलूं तो 0.3% बचा। ये दो चीजें मेरे पास अभी भी डेफिसिट रह गया,
तो अब ये डेफिसिट मैं कैसे पूरा करूंगा, ठीक है? तो ये डेफिसिट पूरा करने के लिए मैं आरबीआई को रिक्वेस्ट करूंगा, और आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी ये बहुत ही इमरजेंसी केस में किया जाता है, इन वेरी इमरजेंसी केस। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1997 इस प्रोसेस को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि आपने बोरो किया पब्लिक से और अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए आपने पब्लिक से उठाया, बैंक से उठाया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से उठाया, स्टॉक मार्केट से उठाया, ठीक है? क्योंकि आपके पास 30 रुपए उधारी थी, ठीक है, आपका खर्चा 30 रुपए ज्यादा हो रहा था, तो आपने ये सारी जगहों से पूरा करने के लिए 25 मिल गया, अब 5 के लिए आपने क्या कर दिया, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। लेकिन अब ये नहीं होता है, ठीक है? अब इसके लिए एक नई टर्म आ गई है, वो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्यों, पर मैं अभी इस चीज को आपको बता देता हूं। तो इसमें क्या होता था, अब इसमें गवर्नमेंट जब प्रिंट कर देती थी तो उससे हमारी इकोनॉमी बिगड़ जाती थी। इकोनॉमी बिगड़ने का मतलब है कि जो हमारी रेटिंग है वो खराब हो जाती थी, ठीक है? और उस कारण से होता क्या था कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ रुपीज है वो नीचे गिर जाती थी, एंड दैट वॉज नॉट ए गुड साइन, क्लियर? तो गवर्नमेंट को इसका कुछ ना कुछ उपचार निकालना पड़ना था कि भैया क्या करें हम ऐसा कि ये प्रिंटिंग ऑफ करेंसी ना करने पड़े, जिससे कि हमारी वैल्यू ऑफ रूपीज डेप्रिशिएट ना करे, नीचे ना गिरे, है ना? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स निकाले, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि वो प्रक्रिया जिससे गवर्नमेंट क्या करती थी, अपना डेफिसिट मैनेज कैसे करती थी, वो मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है? नाउ द लास्ट पॉइंट इज WMA. WMA इसकी फुल फॉर्म है वेज एंड मींस एडवांसेस। दिस इज ए न्यू टर्म, ये आपके पास एक नई टर्म आ गई, वेज एंड मींस एडवांसेस। जैसे कि मैंने बताया कि भैया आरबीआई को करेंसी प्रिंट ना करनी पड़े, ठीक है? तो इसमें दो इंपॉर्टेंट काम किए थे गवर्नमेंट ने। एक पहला काम था कि करेंसी प्रिंटिंग बंद कर दी, और दूसरी चीज थी एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, ये भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, वैसे बता देता हूं कि स्टेट में क्या करते हैं कि जैसे 100 रुपए के बॉन्ड्स बना लिए, बिल्स बना लिए, और बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए कि भैया ये 100 का आप रखो, इस पे हमें 10 रुपए ऊपर दे देना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 110 रुपए देना पड़ता था 100 रुपए के उस पे। तो गुड प्रैक्टिस, ठीक है? तो वेज एंड मीन एडवांसेस में एक तो करेंसी प्रिंटिंग बंद हो गई, दूसरी एडहॉक ट्रेजरी बिल्स बंद हो गए, ये दो इंपॉर्टेंट काम इसमें हुए, डिस्कंटिन्यू कर दिया गया। तो अब तरीका क्या निकाला आरबीआई ने कि भैया ये जो हमारी फाइनेंसिंग डेफिसिट है या डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो आरबीआई ने एक बात कही, आरबीआई ने यह बोला कि हम क्या करेंगे, एक अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट खोलेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
कोई भी हो, हम क्या करेंगे, अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट का क्राइटेरिया क्या रहेगा कि उसमें मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम बैलेंस। तो वो मिनिमम बैलेंस आपको कितना रखना पड़ेगा वो मेन बात थी। तो वो था कि जो आपके लास्ट 3 इयर्स की जो एवरेज थी ऑफ जीडीपी, तो वो आपको क्या रखना था, मिनिमम बैलेंस। स्टेट को भी यही प्रैक्टिस करनी थी, सेंटर को भी यही प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। और अब आपको पैसा मिलेगा कैसे, जब आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जैसे आपका डेफिसिट था 3.3% का, तो गवर्नमेंट 3.3% यानी कि आरबीआई ने ये पैसा अपने पास रखा होता था, आप उसको पहले पेश कर देते थे कि भैया हमारा इस साल का डेफिसिट रहेगा 3.3%, तो आरबीआई ने ये पैसा अपने पास सेफ रखा होता था। तो जैसे ही आपने इसके लिए अप्लाई किया तो आरबीआई ये 3.3% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती थी कि ये लो आप पकड़ो अपना डेफिसिट अमाउंट, अब आप इसको जैसे मर्जी बांटो, जो मर्जी इसका करो, ठीक है। तो होता क्या था, ये अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता था 90 डेज, फॉर 90 डेज के लिए, ठीक है, इस स्कीम के तहत, ठीक है। और इसको एक रेपो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स की थी, एक रेपो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स की थी जिसपे आपको रेपो रेट इंटरेस्ट पेयर को इसको गवर्नमेंट दे देती थी, इसको टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट 3.3%, क्लियर। यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि जो आपका क्या था, डेफिसिट फाइनेंसिंग थी, डेफिसिट फाइनेंसिंग थी, उसके लिए जो मेजर्स गवर्नमेंट ने अपनाए वो क्या अपनाए, अब प्रेजेंटली क्योंकि अब करेंसी छापनी बंद, एड हॉक ट्रेजरी बिल्स बंद, तो नई टर्म्स क्या दी, वेज एंड मींस एडवांसेस। और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई ने बोला कि हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, अकाउंट खोला, मिनिमम बैलेंस यानी कि लास्ट 3 इयर्स एवरेज ऑफ द जीडीपी, और जब फर्स्ट टाइम लोन दिया तो वो जो आपने अपना टारगेट बताया हुआ था, जो आपने एस्टिमेट गवर्नमेंट आरबीआई को दिया हुआ था, गवर्नमेंट ने वो पैसा सेंटर को दे दिया 90 दिनों के लिए एक रेपो रेट इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब मैं आपसे एक और बात करता हूं कि अगर आपको और जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट नीड्स मोर, ठीक है, तो और जरूरत पड़ी तो हुआ क्या,